Hello everyone, this is Pooja Nayak and today I have my sister with me. She's a Dr. Vidhi Nayak. She's a physiotherapist. Hello. She's a physiotherapist and she has done her master's in neurosciences and she's working as a professor at our college, Vidyadeep College. And she is also pursuing my MA in psychology. Okay. Yeah. So, she is a doctor and as we all know that what situation, you know, we are facing right now. So I think let's talk about it and she is here with us and she will guide us how we can save ourselves from the global virus corona. So here we go. Let's start with it and welcome to my Facebook family. Okay, good evening everyone. First of all, जैसे आप सुनो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने वाला वर्ड है कोरोना कोरोना, जिसको सुन के अभी लाइक आई एम टू फेसिंग डिप्रेशन कि यार ये इतना ज़्यादा क्यों कोरोना बोल रहे हैं. अभी कोरोना की बात करें तो कोरोना है क्या? बेसिकली कोरोना है एक वायरस, ठीक है. जैसे आपने H1N1 फ्लू आपने सुना हो, HIV वायरस का नाम सुना, इन्फ्लुएंजा सुना, वैसे कोरोना है एक वायरस. तो इतना ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो रखा है कोरोना? वो नॉर्मल सिर्फ फ्लू जैसे सिम्टम्स देता है, बट वायरस इज अ न्यू इन द मार्केट. मतलब अभी नया नया रिलीज हुआ है और आपकी बॉडी उस वायरस को लेके हैबिचुएटेड नहीं है. लाइक आपकी बॉडी नहीं जानती कि ये कौन सा फॉरेन सब्सटेंस है, तो बॉडी को टाइम लगता है कोरोना से फाइट करने में. दूसरा कि कोरोना है एक वायरस. अभी वायरस का क्या सीन रहता है कि जैसे वो अपने फेसेस बदलता रहता है, वो करंटली अपने DNA चेंज करता रहता है, तो उसे क्या होगा कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो प्रेजेंट आप सिचुएशन देखो तो हमारे पास ना तो कोरोना की कोई मेडिकेशन है, ना तो कोई वैक्सीनेशन है. लाइक उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, बट तो भी वर्क इज गोइंग ऑन. अब बात करें कोरोना के साइन एंड सिम्टम्स की, तो कोरोना में बेसिकली होता क्या है? तो नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, कोल्ड हो गया, सॉर थ्रोट हो गया, फटीग हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, और एक मेजर चीज़ आप बोलो तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं कोरोना में. तो ये सारे सिम्टम्स हैं कोरोना के. अभी कोरोना जो है वो 7 to 14 days लेगा आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद सिम्टम्स दिखाने के लिए, ठीक है. तो ये उसका टाइम पीरियड है. अभी कोरोना फैलता कैसे है? तो जैसे अगर किसी इंसान को कोरोना का इन्फेक्शन लगा हुआ है, ओके, तो अगर वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो उसके नेजल ड्रॉपलेट्स है जो हवा में स्प्रेड होंगे, ठीक है, तो इससे वो फैल सकता है. दूसरी चीज़, अगर वो इंसान कंटिन्यूसली अपना नोज रब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसके हाथों में भी चांसेस है कि कोरोना वायरस आ सकता है. तो कोरोना के ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हो गए, फिर कैसे वो स्प्रेड हो गया ये भी हो गया. अभी कोरोना के लिए मैंने जैसे बताया कि ट्रीटमेंट में क्या है, तो आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रख सकते हो क्योंकि मेडिकेशन तो है नहीं. तो अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरी चीज़, अच्छी स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचा के रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ हु पीपल आर मोर प्रोन टू कोरोना? तो जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनका एज 60+ है, उनको ऑलरेडी कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उनको कोई कैंसर है या कोई और रेस्पिरेटरी इश्यू है, तो ये सारे लोग हैं कि जिनको कोरोना ज़्यादा जल्दी हो सकता है, ठीक है. तो इन सारे लोगों को बेटर आप सेफ जोन में डालो सबसे पहले. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफाइलेक्सिस या प्रिवेंशन की बात करें, तो कैसे प्रिवेंट करना है कोरोना को? तो आप जब भी स्नीज करो, कफ करो, तो टिश्यू रखो अपने साथ, ऑलवेज कैरी द टिश्यू, ठीक है. या फिर दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि यूज़ योर एल्बो, डोंट यूज़ योर हैंड्स. हैंड्स यूज़ नहीं करने हैं, आप एल्बो यूज़ कर सकते हो. रिपीटेड आपको हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है, खाने से पहले, खाने के बाद, ठीक है, टॉयलेटिंग के बाद, या किसी से हैंड शेक कर रहे हो, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. अगर आपको पता है कि कोई कोरोना से इन्फेक्टेड है, तो आप बेटर ट्राई करो कि उसके कॉन्टेक्ट में नहीं जाओ, ठीक है. आपको उनके कॉन्टेक्ट में नहीं जाना है. 6 feet का डिस्टेंस नॉर्मल लोगों से भी बना के रखो. हैंड शेक नहीं करना है, नमस्ते करो या फिर एल्बो शेक करो. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी. दूसरी चीज़, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, दे कैन यूज़ द मास्क. अभी मास्क से क्या फ़ायदा होगा कि नेजल ड्रॉपलेट्स बाहर जाएंगे
नहीं, तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, ठीक है। जो एरिया को क्वारंटाइन डिक्लेयर किया हुआ है, जिनको आइसोलेशन में डाला हुआ है, वो एरिया में आप नहीं जाओ, कोई भी बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोरोना से इतना ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, 80% लोग अपने घर पर ही क्योर हो सकते हैं, सिर्फ 20% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की या फिर वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इतना ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है, बट जस्ट बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करें तो अपने कंट्री में पर स्क्वायर फुट लोग बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है, ये आप सब जानते हो। इटली के पॉपुलेशन देखो या दूसरे कंट्रीज़ की पॉपुलेशन, फिर भी हमसे कम है, ठीक है। तो हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि थर्ड वीक में आप इटली में देखो 300 केसेस थे और थर्ड वीक में हमारे यहाँ 500 प्लस केसेस है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ वीक में वो बढ़ भी सकते हैं। तो ऑल वी कैन डू इज प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको घर पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा खाना पीना ज़रूरी है, अच्छी स्लीप लेना ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ की बात करो तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, क्योंकि भाई 21 डेज़ के लिए हमको घर में बंद कर दिया, तो आप नेटफ्लिक्स यूज़ करो, आप मूवीज़ देखो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, सबको कॉल करो, कॉल से तो आप डेफिनेटली बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, घर पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजीज बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है एंड वी डोंट वांट कि अपना इंडिया इससे बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्टेड हो। अभी सैनिटाइज़र कैसा यूज़ करना है कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हो, जिसमें ऑलरेडी 60% जितना अल्कोहल अवेलेबल हो, वैसा सैनिटाइज़र आपको यूज़ करना है, या फिर हैंड वॉश एंड वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। और एक बात अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो डोंट स्प्रेड दी रूमर्स, प्लीज़। लोग अलग अलग तरह के रूमर्स मार्केट में उड़ाए जा रहे हैं कि भाई SMC आज दवाई फेंकने वाली है हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो ये सारी बकवास बातें हैं, ऐसे कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो ना रूमर्स फैलाए, और रूमर्स से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार अपना नोज, अपना माउथ, अपनी आइज टच नहीं करो, ठीक है, ये सब चीज़ों की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात मेडिकेशन की देखो तो लोग एंटी मलेरियल ड्रग्स खाए जा रहे हैं या अपने हिसाब से एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कोई भी टाइप के सिम्टम्स है तो गो टू योर फिजिशियन, आप उनका कॉन्टेक्ट करो, या फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं अभी के एरा में, आप देखो तो आप उनका कॉन्टेक्ट करो। अपने मन से ऐसी दवाइयाँ खाओगे तो दवाइयाँ आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, वो मार्केट से जा रही है, ऐसा नहीं करो। चीज़ों के लिए रश करने की ज़रूरत नहीं है, आप दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हो, उन्होंने तो चार लोगों के लिए भी मना किया यार, आप तो बड़े बड़े ग्रुप में जा रहे हो, नहीं, ये चीज़ भी नहीं करनी है। आराम से रहो घर पे, गवर्नमेंट काम कर रही है अपना, अपने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये सब चीज़ों का आप बिल्कुल 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 ध्यान रखो कि स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाहर बिल्कुल भी आपको नहीं निकलना है अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी इमरजेंसी हो, और सिर्फ घूमने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं निकलो। इन सब चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे, कोरोना को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस एरिया को क्वारंटाइन डिक्लेयर किया गया है, आइसोलेशन में डाला गया है, वहाँ नहीं ही जाओ, ठीक है। और ये कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए, वो सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू सेव आवर कंट्री, ठीक है, तो उनका सपोर्ट करो, उनको अपोज नहीं करो। तो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट कोरोना। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप पूछो, हम डेफिनेटली आपको बेस्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन शॉर्ट, जान है तो जहान है, तो बिल्कुल इन्होंने जो भी बोला है आप बिल्कुल उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज इनसे पूछिए। एंड थैंक यू अलनवाज भाई फॉर अप्रिशिएटिंग मी। एक्चुअली आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू विधि, थैंक यू विधि फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक ये सबसे बेस्ट पर्सन है जो आपको इस डिजीज के बारे में बता सकती है। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इनके नॉलेज का यूज़ करें या सबको अवेयरनेस बढ़ाए। एंड आई थिंक आई हैव डन इट। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछिए, आई थिंक नहीं तो फिर वी कैन वाइंड अप। आई नो ये नाइट हो चुकी है, अभी डिनर का भी टाइम हो चुका है। So yeah, if you want to say something, please continue. हाँ, and actually market में और एक rumor है कि भाई corona इतने time तक ये कपड़े पे survive करता है, ये लकड़ी पे survive करता है। जी नहीं, ऐसी कोई भी research based information अभी तक मिली नहीं है कि वो कितना time कहाँ पे survive करता है, ठीक है, तो हमें नहीं पता है। तो ये सारी rumors से आप
डेफिनेटली बचो, और अगर हेल्प लेने की ज़रूरत है तो डॉक्टर्स प्रोफेशनल फिजिशियंस की हेल्प लो, अपने हिसाब से रूमर्स नहीं फैलाइए, अपने हिसाब से लोगों को गाइड नहीं करिए, क्योंकि ये रूमर्स इतनी ज़्यादा फैले जा रही है ना कि वो फिर पीपल आर यू नो फॉलोइंग कुछ भी इनटू द मार्केट. ओके, व्हाट ऑल फूड बीन गिवन, हु ऑल इन ऑब्जर्वेशन. सी आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वो ऑब्जर्वेशन में है उनको क्या फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि आप क्या कर सकते हो कि हॉट वाटर में लेमन ले सकते हो जो बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर होता है. बेसिकली टेक अ वार्म वाटर और उसके अंदर हाफ लेमन ऐड कर लो और उसको पीना है आपको, या आप पूरी फैमिली को भी दे सकते हो. हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे. यू कैन टेक द नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे अपना जिंजर होता है या फिर तुलसी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट. बट ऑब्जर्वेशन में उनको क्या दिया जा रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. बट कोरोना से इतना ज़्यादा डरने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर वो बोल रहे हैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो पास ऑन हो रही है, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा विधि, आप मुझे बताइए कि आप घर पे जो ये फ्री टाइम है अभी, उसमें आप क्या प्रोडक्टिव कर सकते हो? देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ. मैं सबसे पहले सुबह उठ के वर्कआउट करती हूँ, आई डू योगा, एंड उसके बाद सी आई एम अ बिग मूवी लवर, सो मैं बहुत सारी सीरीज़ देखती हूँ जो विच इज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेंट. कुछ नया सीखते हो बिकॉज आप जितना ऑब्जर्व करते हो आप उतना सीख पाते हो. उसके साथ साथ आई लव टू रीड बुक्स बिकॉज आई एम अ स्पीकर, आई एम एन एंकर, सो आई हैव टू यू नो कीप रीडिंग एंड आई हैव टू कीप अपडेटिंग माई सेल्फ टू स्पीक. तो उससे मुझे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और उसके साथ साथ आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वीलॉग्स. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं आई एम so much into that thing nowadays, because मैं घर पे ही रह के क्या कर सकती हूँ, अपना मोबाइल को यूज़ करके मैं वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि अभी बाहर जाना इट्स सो रिस्की. तो बाहर जाके तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे इवेंट्स भी सारे कैंसिल हो चुके हैं ड्यू टू दिस कोरोना वायरस. एंड ऑफकोर्स होने ही चाहिए, अगर किसी के घर में शादी है या कुछ भी है, प्लीज़ गाइज आप कैंसिल कर दो. शादी पोस्टपोन हो सकती है, आपकी ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप उस पर सबसे पहले ध्यान दीजिए. एंड आई थिंक या दैट्स इट. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए, माय डॉक्टर सिस्टर इज हियर. पीपल आर डूइंग एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम, वो आप कर सकते हो. जैसे टीचर्स के लिए बेसिकली दिया गया है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, वैसा सेम स्टूडेंट्स के लिए भी बोला गया है. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप अपना नॉलेज वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दो. नो, कीप रीडिंग स्टूडेंट्स, इफ यू आर वॉचिंग मी, तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी टास्क आपको दिए गए हैं वो आप फॉलो करो डेफिनेटली, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एडवांस नाउडेज. तो टीचर्स घर पे बैठ के भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बेटर उनके साथ कोऑर्डिनेट करो. लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑफकोर्स आपको कुछ कोर्स करना है तो वो भी आप ऑनलाइन सीख सकते हो. आई थिंक इंटरनेट का ज़माना है, एंड घर के बैठ के जो आपको ये फ्री टाइम मिला है, लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड स्टे इंडोर्स गाइज. सो आई हैव दिस लाइट बॉक्स और इस पर मैंने यही कोट लिखा है, आई थिंक आपको उल्टा दिखाई देगा. इट्स सेइंग दैट स्टे होम, सो दिस इज हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ एंड यू कैन सेव द यू नो द एंटायर ग्रुप अराउंड यू. I think yeah, that's it. Thank you so much. There is a question. After 14 days they will be at home, what after that? ओके सी, अगर उनको सिम्टम्स कंट्रोल में आ रहे हैं ना, तो वो उनको फिर परमिशन देते हैं कि आप फ्री हो नाउ मूव करने के लिए. बट तो भी कम्प्लीटली जब तक इन्फेक्शन क्योर नहीं हो जाता, इतना मार्केट से निकल नहीं जाता, आप कोशिश करो कि घर पे ही रहो. मतलब क्योंकि आपकी छोटी सी केयरलेसनेस की वजह से क्या हो सकता है, डिजीज़ विल बी स्प्रेड इन द ह्यूज अमाउंट. और जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी सिचुएशन इंडिया के अंदर हो, क्योंकि वी डोंट वॉन्ट के 1 लाख या उसके ऊपर केसेस बन जाए इंडिया के अंदर, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री. तो प्लीज़ ऐसे कुछ बातें आप नहीं करो कि भाई मैं अभी ठीक हूँ और मैं घूमना चाहता हूँ. नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें. और एक दूसरी चीज़ के लोग जब टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो वो ऐसा डरते हैं कोरोना की वजह से, तो दे आर टेकिंग पैरासीटामोल. पैरासीटामोल लेके वो टेस्ट के लिए जाते हैं. अभी आप पैरासीटामोल ले ली है तो आपको डेफिनेटली फीवर नहीं आने वाला है, तो ऐसा काम नहीं करो. अगर आप पॉजिटिव हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है.
बेटर आप अपनी कंट्री का फायदा कर सकते हो कि अपने आप को क्योर कर सकते हो, फैमिली को कर सकते हो, अपनी कंट्री को सेफ रख सकते हो. That's all I would love बिल्कुल to say. और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आज ही मुझे पता चला है कि आपको अगर कुछ ग्रॉसरी का सामान लेने जाना है तो डोंट नीड टू गो आउट ऑफ होम. एक वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको स्टोरी में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. देखिए सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, अब सब कुछ सामान भी अवेलेबल है, सो डोंट नीड टू गो आउट. क्योंकि सब लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं, वहाँ पे भीड़ कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं, सो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा रिस्क है. एंड प्लीज डोंट डू इट. आपको बिल्कुल रश करने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा खाना या कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि देखिए पानी गवर्नमेंट दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट दे रहा है, गैस लाइन सब कुछ चालू है, उन्होंने बिल्कुल बंद नहीं किया है. और ये जितने भी लोग हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दे आर वर्किंग. वो हमारे वो कचरे वाला भी है जो वो कचरा लेने आता है. एवरीबॉडी इज वर्किंग और बिल्कुल रश करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक वी जस्ट नीड टू सपोर्ट देम बाय स्टेइंग एट होम. कैन वी डू दिस? आज ही मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट देखी इंस्टाग्राम पे. एक बच्चा बोल रहा था, उसके हाथों में एक कार्डबोर्ड था, उस पर लिखा था कि माई मदर इज डॉक्टर और वो मुझसे दूर रह रही है प्रेजेंट सिनारियो में ताकि वो आपको सेफ रख पाए, तो क्या आप मेरे लिए कुछ करोगे? हाँ, तो आप वो बच्चे के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि आप घर पे रहो, क्योंकि दे आर सर्विंग. ठीक है, वो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, हमारी कंट्री को, तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम. और आप अपने घर से बाहर नहीं निकलो, ये कोई पनिशमेंट नहीं है. और जो मोस्ट टच एरिया होते हैं, जैसे अपने हैंडल्स हो गए डोर के या रेलिंग हो गई, अगर आपको पता है कोई इन्फेक्टेड है वहाँ पे वो घर में, तो वो सारी चीज़ों को, सरफेस को आप टच नहीं करो. पॉसिबल हो तो उसको बार बार डिसइन्फेक्टेंट से धो धो देना उसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक अल्लावाज भाई इज आस्किंग कि अभी तक कितने केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं. सी इंडिया में 500 प्लस केसेस आर पॉजिटिव, बट बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, तो एक्चुअल नंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं. ठीक है, तो ये जो भी बोल रहे हैं ना, लाइक हमें एक्चुअल नंबर्स का आइडिया नहीं आ पा रहा है क्योंकि लोग अपने आप को छुपाए जा रहे हैं. मैं आपको बोलूँ, इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है. अगर आप इन्फेक्टेड हो, जैसे एक नॉर्मल कोल्ड होता है, उसमें हम क्यों मतलब लाइक छुपाए वो चीज़ लोगों से. हाँ, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग क्योर भी हो रहे हैं, सिर्फ ऐसे डेथ नंबर्स पे फोकस नहीं करो. बट वी कैन से दैट प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. ठीक है, तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं समझो कि क्योर हो जाता है तो मैं घूमने लग जाऊँ. नहीं नहीं, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को फैला सकते हो और वो प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो स्टे होम. एग्जैक्टली, सो आप अपने आप को भी बचाइए घर पे रह के, घर वालों को भी बचाइए, फैमिली को बचाइए, बच्चों को बचाइए, सीनियर सिटीजन्स को बचाइए. एट लास्ट अपनी कंट्री, द होल वर्ल्ड, सबको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि वी वॉन्ट के नंबर्स जो भी है केसेस इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो जितने बन सके कम हो, बिकॉज वी आर इन द थर्ड वीक राइट नाउ. ओके, सूरत की बात करें तो आई गेस सूरत में अभी तक तो एक्चुअल नंबर्स मुझे भी आइडिया नहीं है, शायद 4 से 7 नंबर्स इन्फेक्टेड निकल के आए हैं. बट नो, काफी सारे लोग हैं जो आइसोलेशन में जिनको रखा हुआ है सूरत में भी. एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है. कुछ खबर ऐसी भी आई है कि डिंडोली, अडाज एंड रामदेर को क्वारंटाइन में रखा गया है. अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन सच है या नहीं है उसके बारे में आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग गाइस, कि हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, सब कुछ सच नहीं होता. सही नहीं, हम उसको मान लेते हैं. एग्जैक्टली, बट यू नो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन. क्योंकि शायद फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ पता चला है तो मैं विधि को बताऊंगी, विधि अपना थोड़ा कुछ ऊपर नीचे करके किसी थर्ड पर्सन को बताएंगे. सो इट डजंट मेक एनी सेंस. जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो न्यूज में बोल रहे हैं, जो हमारे पीएम सर बोल रहे हैं, सिर्फ उन पे बिलीव कीजिए. आई थिंक वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है और वो हमारे लिए सोच रहे हैं, तो आई थिंक उनको ही बिलीव कीजिए. अगर वो बोल रहे हैं लॉकडाउन करना है, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा. आई थिंक He's a brilliant personality and he thinks for us. So let's think for ourselves and don't go out of home, and that's how you can save yourself. That's it. I think ये session को मैं यहाँ पे ही समाप्त करना चाहती हूँ. And मेरे साथ I want to say thank you, Dr. Vidyanayak, for joining me live and spreading some knowledge about the corona. It's a pleasure for me to be here. कि मैं आपको guide कर सकती हूँ. That's a pleasure.
Please stay safe, stay home, please. Yeah, thank you so much, guys, and I wish you the same. Please stay at home. Thank you. Yeah, thank you. Take care. Bye bye.